रहस्यमय बुखार का अपडेट लेने के लिए हम निधिश्री का रुख कर लेते हैं। निधिश्री, वहां पर क्या मौजूदा स्थिति और सरकार की कोशिशें क्या है? जी बिल्कुल, देखिए करीब दो दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो राज्य स्वास्थ्य समिति की एक टीम जो है वो गठित की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और ये जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर, इन तीन ज़िलों में सैंपल के लिए गई है। और इसके अलावा अगर मैं मुजफ्फरपुर के ही बाकी SKMCH अस्पताल की बात कर लूँ तो पहले ये था कि बेड्स की संख्या कम पड़ रही थी और यही वजह थी कि एक बेड पर तीन बच्चों को एक साथ रखा जा रहा था जो वायरल बुखार से पीड़ित थे, लेकिन अब वहाँ पर भी बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है। कितने ज़िले प्रभावित हैं? पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, ये कुछ ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा इन दिनों प्रभावित हैं और करीब 15 से 20 दिनों से वायरल फीवर की समस्या बनी हुई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जब टीम जांच के लिए गई थी तो वहाँ पर ये कोशिश की गई कि क्या कोविड तो नहीं है इन बच्चों में, लेकिन जो सैंपल्स आए हैं उसके मुताबिक कोई भी बच्चे कोविड से संक्रमित नहीं है, ये एक बात स्पष्ट हो गई है। अब रही बात जितने सरकारी अस्पताल है, अगर मैं पटना में ही जितने सरकारी अस्पताल है उनकी बात कर लूँ तो सब बेड्स की संख्या फुल हो चुकी है। प्राइवेट अस्पताल का रुख कर रहे हैं तमाम वो पेरेंट्स, पीकू नीकू दो वार्ड्स बनाए जाते हैं, दो अलग अलग छोटे बच्चों के लिए और थोड़े से जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन ये सभी वार्ड्स फिलहाल फुल हैं और स्वास्थ्य विभाग के पास अब तक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं जुट पाया जिससे ये कहा जा सके कि बिहार में अब तक कितने बच्चे संक्रमित हुए हैं। आंकड़ों की जो है समझ नहीं हो पा रही है, इंतजाम बहुत कम पड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की कोशिश है लगातार कि किसी भी तरीके से इस मामले को पूरी तरीके से निपटा जाए, बखूबी निपटा जाए। बहुत शुक्रिया रणवीर और रणनिधि आपका। ABP News आपको रखे आगे।